स्वागत है ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पर तिरंगे झंडे का अपमान करने का आरोप लगा है। जिस तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा के लिए हमारे देश में लोग हंसते हंसते कुर्बान हो जाने को तैयार रहते हैं, उसी तिरंगे के कांग्रेस के एक नेता ने अपमान किया है। दामोह जिले में कांतिलाल भूरिया एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस नेता को ये तक नहीं पता था कि उनकी अपनी गाड़ी में जो तिरंगा झंडा रखा है वो फटा हुआ है। मंत्री जी अपनी गाड़ी पर फटा हुआ तिरंगा झंडा लगाकर जनसभा में पहुंचे, लेकिन मीडिया के कैमरे में फटे हुए तिरंगे की तस्वीरें कैद हो गई। और जब मंत्री जी से पूछा गया कि क्या वो अपनी गाड़ी में फटा हुआ तिरंगा लगाकर देश का और तिरंगे का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, तो सुनिए क्या कहा कांग्रेस नेता ने। केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की गाड़ी पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है। और जब वो दामोह में पहुंचे एक जनसभा को संबोधित करने, और जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा, क्या उन्हें नहीं पता, तो उनका क्या जवाब रहा हम आपको सुनाते हैं। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है सर, तिरंगे का अपमान हो रहा है, झंडा फटा हुआ लगाए हुए आप कैसे कहाँ पर हो रहा है? जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, उस गाड़ी में आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हालत क्या करोगे? झंडा चार और लगे झंडा लगेगा है ना, हम लोग कहाँ मिलेंगे? नहीं, क्या इसमें सफर कर रहे हैं आप, तिरंगा झंडा फटा हुआ है उसमें आप अपमान नहीं समझते तिरंगे का? देखेंगे तो आपने देखा किस तरह से हंसते हुए बात को टाल गए, और जब उनसे पूछा कि आपको इसमें तिरंगे का अपमान नहीं लगता तो उन्होंने हंसकर कहा देखेंगे। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सौरभ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ, साफ तौर से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पर ये जो आरोप लगा है झंडे के अपमान का, और उस पर जो उन्होंने जवाब दिया वाकई चौंकाने वाली बात है। जाहिर सी बात है, जो कांतिलाल भूरिया जिम्मेदार पद पर केंद्रीय मंत्री है, उनकी गाड़ी में फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ था, साफ तौर पर उन्होंने अपमान किया तिरंगे का। और उसके बाद में उनके इस तरीके का मीडिया के सामने बोलना कि ये एंटी गवर्नमेंट की भी यही स्थिति, तो इससे कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। उन्होंने साफ तौर पर तिरंगे का अपमान किया है। देखा जाए तो उन्होंने इस पर कोई गंभीरता से जवाब देने की बजाय इस पूरे बात को हंसी में उड़ा दिया। हाँ, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हम लोग ने उनसे पूछा कि आपकी गाड़ी में फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगे का अपमान है ये, तो उन्होंने तिरंगे की बात हंसी में कह दी कि यही एंटी गवर्नमेंट का ख्याल है, इससे एंटी गवर्नमेंट का क्या लेना देना। ये तिरंगा जो है हमारे देश की शान है, और इसका रक्षा करने के लिए, इसके सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सभी को आ जाना होता है, फिर आपके जिम्मेदार मंत्री है, आपको इस तरीके की बातें कभी शोभा नहीं देती। इस बात पर भी उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी गाड़ी उसी गाड़ी में सवार होकर चल गई। चलिए सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि सौरभ ने बताया और आपने खुद भी सुना कि जब कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से आपकी गाड़ी पर ये फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है तो क्या इससे तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा, इस बात पर वो इस बात को हंसी में टाल गए और देखेंगे कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। गंभीरता से इस बात को वो लेते हुए कतई नहीं दिखाई दिया। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपकी गाड़ी पर जो तिरंगा लगा है वो फटा हुआ है, कैसे अपमान नहीं होता तिरंगे का, तो उनका क्या कहना रहा। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है सर, तिरंगे का अपमान हो रहा है, झंडा फटा हुआ लगाए हुए आप कैसे कहाँ पर हो रहा है? जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, उस गाड़ी में आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हालत क्या करोगे? झंडा चार और लगे झंडा लगेगा है ना, हम लोग कहाँ मिलेंगे? नहीं, क्या इसमें सफर कर रहे हैं आप, तिरंगा झंडा फटा हुआ है उसमें आप अपमान नहीं समझते तिरंगे का? देखेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मजाक उड़ाते नजर आए वो इस बेहद गंभीर बात का।